दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईएएस और आईपीएस में अधिक पावर किसके पास होता है। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर आप लोगों के लिए अपलोड करूँ तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों हमें कभी भी किसी के साथ किसी की तुलना नहीं करना चाहिए। आईएएस और आईपीएस दोनों अलग अलग पद हैं और दोनों के काम अलग अलग है, दोनों के पास अलग अलग अथॉरिटी है, पावर है। लेकिन कई स्टूडेंट मुझसे ईमेल के माध्यम से कई दिनों से पूछ रहे हैं कि आप एक अलग से वीडियो बनाकर बताइए कि आईएएस और आईपीएस में ज़्यादा पावर किसके पास है। देखिए आईएएस या फिर आईपीएस की सर्विस में जाने के लिए आपको दोनों के लिए कोई अलग अलग एग्जाम नहीं देना पड़ता है। आईएएस या फिर आईपीएस बनने के लिए आपको केवल एक ही एग्ज़ाम देना पड़ता है और उसका नाम है यूपीएससी यानी इंडियन पब्लिक ऑफ सर्विस कमीशन। जी हाँ, केवल यूपीएससी की परीक्षा देकर ही आप आईएएस या आईपीएस बनते हैं। दोनों के लिए एक ही परीक्षा होता है, बस आप यूपीएससी में आप जैसा परफॉर्मेंस करेंगे वैसा ही आपका सर्विस अलॉट होता है। यूपीएससी में आपका रैंक कैसा है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, उसी के आधार पर आपको आईएएस या फिर आईपीएस का सर्विस मिलता है और आपकी पोस्टिंग होती है। लेकिन अगर हम आईएएस और आईपीएस की तुलना करें तो आईएएस बनने के बाद आप अधिक से अधिक कैबिनेट सेक्रेटरी के पोस्ट तक जा सकते हैं, वहीं आईपीएस बनने के बाद आप सीबीआई डायरेक्टर तक बन सकते हैं। अगर आप कम एज में ही यूपीएससी की परीक्षा क्रैक कर लेते हैं तो फिर आप कैबिनेट सेक्रेटरी तक और आईपीएस बनने के बाद सीबीआई डायरेक्टर तक बन सकते हैं। आईएएस बनने के बाद आप जिले का डीएम भी बन सकते हैं, और डीएम का दायरा बहुत बड़ा होता है। उसके ज़िले में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सभी का हेड डीएम होता है। वहीं आईपीएस बनने के बाद आपको जिले का एसएसपी बनाया जाता है, और फिर आपके पूरे ज़िले पर कंट्रोल नहीं होता है, बस आपके ज़िले में जितने भी पुलिस थाने आते हैं, जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट हैं सभी का हेड आपको बनाया जाता है। तो जिले में जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी का हेड डीएम ही होता है, लेकिन एसएसपी का जो दायरा होता है वह केवल पुलिस तक ही सीमित होता है। अगर डीएम चाहे तो किसी भी मामले में एसएसपी से रिपोर्ट ले सकता है, लेकिन एक बात आपको जानकर हैरानी होगी कि डीएम किसी भी पुलिस अधिकारी को सस्पेंड नहीं कर सकता है, ना ही उनका ट्रांसफ़र कर सकता है। पुलिस को सस्पेंड करने या फिर ट्रांसफ़र करने का पावर केवल पुलिस कप्तान के पास होता है, यानी कि एसएसपी के पास। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई भी पुलिस अधिकारी डीएम के सामने कोई हरकत करता है जो कि गैरकानूनी है, तो फिर डीएम उसे डायरेक्ट सस्पेंड नहीं कर सकता है। बस डीएम जो उसकी शिकायत होगा जिले के एसएसपी से करेगा, फिर एसएसपी उस पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर सकते हैं। अगर जिले में बाढ़ आए या फिर कोई भी आपदा आए, अगर चीफ मिनिस्टर को बात करना होता है, कम्युनिकेशन करना होता है, तो फिर वे सीधे डीएम से ही बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर किसी भी मामले में डीएम से रिपोर्ट ले सकते हैं, डीएम को ही जवाब देना पड़ता है। लेकिन वहीं एसएसपी की जिम्मेदारी उनकी जवाबदेही केवल पुलिस तक ही सीमित होती है। तो दोस्तों आईएएस और आईपीएस दोनों अलग अलग पद हैं और दोनों सोसाइटी के लिए ही काम करते हैं, और दोनों का डिसीजन समाज के लोगों के जीवन पर असर डालता है। तो दोस्तों अगर आपका भी सपना है कि आप आईएएस या फिर आईपीएस बने और समाज के लिए कुछ करें, समाज को बेहतर बनाएं, तो आप आज ही कंफर्ट जोन से बाहर आएं और मेहनत करना शुरू कर दें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।